हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वर्ल्ड उस्ताद। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से जंक फाइल को डिलीट करके स्पीड को कैसे तेज़ किया जा सकता है। जंक फाइल एक किस्म का कचरा होता है। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर किसी सॉफ्टवेयर पर जब काम करते हैं या कंप्यूटर पर जब वेबसाइट खोलते हैं या किसी भी किस्म का कोई भी काम करते हैं तो जंक फाइल जमा हो जाती हैं। हमें इसको वीकली डिलीट करना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम बेहतर काम कर सके। अगर हम डिलीट नहीं करते तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके सी ड्राइव में आपने डेटा तो बहुत कम डाला हुआ होता है लेकिन जगह बहुत ज़्यादा ज़ाया हुई होती है और आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए ये ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा ड्राइव्स को कब डिफ्रेगमेंट करना होता है और कैसे करना होता है, और ये भी बताऊँगा कि डिफ्रेगमेंट करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत से ट्यूटोरियल लाता रहूँगा और आपको न्यू ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। चलें अब स्टार्ट करते हैं कैसे स्पीड को तेज़ किया जाए। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाएं और स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें। जैसे आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ पे लिखें, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको और लिखना है। जैसे आप ये लिखेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये आ जाएगा। अब आप इस पर क्लिक कर दें, ये देख सकते हैं आप, मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फाइल्स आ गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, ये देखें आप। अब हमें इसको डिलीट करना है। चले आइए, अब हम इसको डिलीट करते हैं। हम अपने कंप्यूटर से कंट्रोल और ए दबाएंगे। कंट्रोल और ए का फ़ायदा ये होता है कि जो हिडन फाइल्स भी होती हैं वो भी इसमें सेलेक्ट हो जाती हैं। अगर हम मैन्युअली सेलेक्ट करेंगे तो वो हिडन फाइल सेलेक्ट नहीं होंगी, तो इसलिए कंट्रोल और ए दबाएं और हिडन फाइल भी सेलेक्ट हो जाएंगी उसमें, तो कंट्रोल ए बेहतर रहता है। चलें अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 329 आइटम हैं और ये हमने डिलीट कर दी। ये देखें 254 MB की ये डिलीट हैं। अब आप देख सकते हैं कि डिलीट हो गई हैं तकरीबन फाइलें, लेकिन अब ये बॉक्स हमारे सामने एक आ गया है, आपके सामने भी आएगा। हम इसको स्किप कर देंगे, फिर से स्किप कर देंगे, फिर से स्किप कर देंगे, फिर स्किप स्किप कर दिया। अब ये सारी फाइल्स डिलीट हो गई हैं और हम इसको बॉक्स को बंद कर देंगे। अब हम दोबारा हम जाएंगे इसी तरफ और इसी तरफ हम अपने कंप्यूटर से दबाएंगे विंडोज़ का बटन और आर का बटन। याद रहे, विंडोज़ का बटन और आर का बटन। जैसे हम विंडोज़ और आर दबाएंगे तो हमारे सामने रन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हम इस रन के बॉक्स में यहाँ लिखेंगे टेम्प, TEMP टेम्प, और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पहले ही डिलीट कर रखी हैं इसलिए यहाँ पे कम आ रही हैं। हो सकता है आपने डिलीट ना की हो तो आपके पास ज़्यादा फाइल्स आ रही हैं। इसको भी हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ये देखें आप, डिलीट हो गई हैं ये भी। अब हम इसको भी बंद कर देंगे। फिर अब हम जाएंगे माय कंप्यूटर पे, स्टार्ट में जाएंगे, माय कंप्यूटर को खोलेंगे, माय कंप्यूटर से हम सी में जाएंगे। सी जैसे ही आ जाएगी आपको सी पे क्लिक करेंगे और सी की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। अब हम सी की प्रॉपर्टीज़ पे पहुंच गए हैं। जैसे हम सी की प्रॉपर्टीज़ पे पहुंच जाएंगे उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब हमें करना ये है, ये देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा होगा डिस्क क्लीनअप। आप यहाँ डिस्क क्लीनअप पर क्लिक कर दें। अब ये देखें आप, आपके सामने डिस्क क्लीन होना शुरू हो गई है, डिस्क क्लीन हो रही है। अब देखें आप,
टोटल दिस स्पेस 79 MB की ये बता रहा है। अब आप इन सब पे क्लिक करें अगर आप चाहते हैं कि आप ये फाइल्स को रिमूव करना, और ओके पे क्लिक कर दें और फिर डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं ये क्लीन अप कर रहा है डिस्क, और ये डिस्क क्लीन अप हो गई है। अब आप टूल्स पे क्लिक करें, टूल्स पे क्लिक करने के बाद अब आप डिफ्रैगमेंट पे क्लिक करें, जो मैंने आपको बताया था कि डिफ्रैगमेंट क्या है और किस लिए किया जाता है। अब मैं आपको जब क्लिक करके बताऊंगा, अब मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि डिफ्रैगमेंट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। अब आपके सामने ये तमाम ड्राइव शो हो रही हैं और सब में 00 लिखा हुआ है। सबसे पहले आप सी ड्राइव पर क्लिक करें और एनालाइज डिस्क पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप एनालाइज डिस्क पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये चलना शुरू हो जाएगा। और जब ये चलना शुरू हो जाएगा और ये 100 तक, अभी 55 आपको नज़र आ रहा है, ये 100 तक होगा। और जब 100 कंप्लीट हो जाएगा ये, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 100 पे कंप्लीट हो जाता है तो आप देखें 100 कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी 0 लिखा हुआ है। अगर आपका 100 कंप्लीट होने के बाद 10 या 10 से ज़्यादा अगर यहाँ पे लिखा हुआ आए, तो फिर आप इसको डिफ्रैगमेंट डिस्क पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन मेरा अभी 0 आया है, क्योंकि इसका मतलब मेरी सी ड्राइव को डिफ्रैगमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा 10 से ज़्यादा आता या आपका भी 10 से ज़्यादा आए, तो फिर आप इसको डिफ्रैगमेंट डिस्क पर क्लिक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और इसी तरह आप तमाम ड्राइव्स को डिफ्रैगमेंट कर सकते हैं। आपको फिर एक बार समझा दूँ, आपको जैसे सी ड्राइव को डिफ्रैगमेंट करना है, तो पहले सी पे क्लिक करें और एनालाइज डिस्क पे क्लिक करें, वो 100 तक होगा। 100 होने के बाद अगर यहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा आता है, तो फिर आप डिफ्रैगमेंट डिस्क पे क्लिक कर दें, वो डिफ्रैगमेंट हो जाएगा और आपकी ड्राइव जो कमज़ोर होती जाती है और ख़राब होने के इम्कान ज़्यादा होते जाते हैं, वो सही हो जाएंगे। मेरी ड्राइव इस वक्त एकदम बेहतरीन है और सही काम कर रही है, इसलिए 0 लिखा हुआ आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।